हेलो एवरीवन। तो आज का जो ब्लॉग है वो जूडियो का ब्लॉग है और ये जो जूडियो का शोरूम है ना बिल्कुल मेरे घर के पास है। और हम लोग एकदम अचानक से पहुंच गए थे, कोई प्लानिंग नहीं था, कहीं गए हुए थे तो हमें लगा कि चलो जूडियो के शोरूम में घूम के आए। और ये बिल्कुल न्यू बना है, एक दो महीने ही हुए होंगे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ये बच्चों के कलेक्शन थे ऊपर जाते ही, तो यहाँ पे मैं अंश के लिए थोड़ा देख रही थी टी शर्ट वगैरह कुछ। और आप भी देख सकते हो किस टाइप के ड्रेसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मतलब ठीक ठाक प्राइस में मिल जाता है, मिडिल क्लास लोगों के लिए ठीक ठाक है। और ये जो शर्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चों के जीन्स वगैरह हैं, टी शर्ट है, लड़कियों के गर्ल्स आइटम भी थे, छोटे बच्चों के ये छोटे छोटे ड्रेसेस थे, टॉप थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट मेरी कोई बेटी नहीं है तो बस मैं ड्रेस देख के ही खुश हो जाती हूँ, लेना हो या ना हो बट देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शूज़ है वो 300 का था, 299 का था, मतलब 300 ही 1 रुपये कम था। और बट ये जो है ना ये देखने में आपको लगेगा कि मतलब उस टाइप का है कपड़े का, बट ये ना फोम टाइप का था, बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट था और देखने में भी बहुत अच्छा लुक दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीपर वगैरह जो कि 399 के थे, 399 में ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही महंगा लगा, बट सबके अपने अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जो है हाफ पैंट वगैरह मिल रहा था, और हाफ पैंट थे, सॉक्स थे, मतलब हर एक चीज़ मिल रहा था यहाँ पे 149 में। और ये 299 में यहाँ पे ये स्लीपर मिल रहे थे, और ये भी बहुत अच्छा ही था, मतलब ठीक ठाक था, इतना बाहर भी हमें इतना 299 या 250 तक मिल जाता है। और यहाँ पे 399 में ये शूज़ जो कि मैंने पहले भी एक बार दिखाया था और यहाँ पे और एक बार दिखा रही हूँ, हर कलर में अवेलेबल है, वाइट, पिंक, येलो, ग्रीन, जैसा आपको लेना हो वैसा ही। और यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप के स्लीपर्स थे घर में पहनने वाले रेगुलर वे में, तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा कलेक्शन। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, और इनका जो ब्रांड है ना इनके हर एक चीज़ में जूड़ियों का नाम मतलब लिखा हुआ ही रहता है। आप एक परफ्यूम लो, लिपस्टिक लो, शूज़ लो, कपड़े लो, सब में जूड़ियों का प्राइस और जूड़ियो मेंशन दिया होता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और ये 299 में ये आप देख सकते हो परफ्यूम है, ड्यू है, तो मैंने यहाँ पे निकाल के देखा था कि कैसा है, क्योंकि वहाँ पे टेस्टेड रखा हुआ रहता है कि आप इसमें से निकाल के टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लिपस्टिक कलेक्शन बहुत अच्छा था 199 में। और मैं तो मेकअप लवर हूँ तो जहाँ पे मुझे मेकअप दिखता है वहाँ मैं चली ही जाती हूँ। और ये 79 में ब्यूटी ब्लेंडर था जो मुझे कुछ खास नहीं लगा, सच रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि 50 तक ये बाहर भी अच्छा वाला ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाता है। और ये 79 में आप देख सकते हो काजल था यहाँ पे, ब्लैक काजल, वाइट काजल, लाइनर था, और लाइनर मैंने लिया था, लाइनर भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। और यहाँ पे जो है टेस्ट के लिए भी अलग अलग रखा था कि आप टेस्ट करके लगा के देख भी सकते हो। और ये 99 में जो है नेल पेंट थे, नेल पेंट भी कुछ खास नहीं था, तो नेल पेंट भी मैंने लगा के टेस्ट किया था। और ये जो नेल पेंट है ना ये आप लगाओगे 2-3 कोटिंग और ये अच्छे से फिनिशिंग लुक नहीं देता, कहीं कहीं जगह जगह पे मतलब रह जाता है, कलर अच्छा नहीं आता। और ये 49 में ये लिप बाम है, लिप बाम का रिव्यू मैं देती हूँ, लिप बाम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मतलब सॉफ्ट कर दे रहा था होठों को। और यहाँ पे भी ड्यू थे, यहाँ पे गर्ल्स वाले ड्यू थे। और ये 99 में जो लिपस्टिक कलेक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, और मैंने यहाँ पे अपने हाथों में भी चेक करके देखा, यहाँ तक कि मैंने अपने होठों पे भी लगा के देखा, ये लिपस्टिक मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैंने ये लिपस्टिक जो है जिस टाइम मैंने टेस्ट किया था उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मेरे हाथ में लगा हुआ ही था, मैंने उसको मिटाया नहीं, और घर में जाके भी इवन 2-3 घंटे तक ये लगा हुआ ही था। तो ये मैं उस टाइम तो नहीं लिया था, बट मैं बाद में एक दिन जाके मैंने 4-5 लिपस्टिक कलेक्शन में लेके आई थी अलग अलग शेड के। अब मैं आई हूँ यहाँ पे,
गर्ल्स फेयर में ये यहाँ पे जो था ये पैंटीज मुझे कुछ खास नहीं लगा, बहुत ही थिन कपड़ा था, पतला कपड़ा था, बट ब्रा का जो कलेक्शन था उनके कपड़े बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सॉफ्ट लगा मुझे और प्राइस भी ठीक ठाक था, बट इससे ज़्यादा मुझे लगता है ऑनलाइन लेना ही बेटर है, थोड़ा इससे कम प्राइस में इस टाइप का मिल जाता है, यहाँ पे जो थोड़ा ज़्यादा ही लगा मुझे। और 799 में जीन्स था जो कि मुझे 799 में ज़्यादा ही लगा, थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगा, बट मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही थी दिखाने के लिए। बट ये टी शर्ट कलेक्शन था ये 199 का था, तो ये भी ठीक ठाक ही था 199 में। और यहाँ पे ये क्रॉप टॉप वगैरह आप देख सकते हो, क्रॉप टॉप वगैरह भी बहुत अच्छा था। यहाँ की ना एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, यहाँ के जो कपड़े हैं कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। ये 99 में 999 में आप देख सकते हो, ये भी 999 में था। और ये सब ड्रेसेस मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट मुझे अच्छा लगा देख के, क्वालिटी एंड कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी थी और देखने में भी अच्छा लग रहा था। एक मुझे ये पसंद आया था, नेट फैब्रिक में था, ये भी 99 का था, बट ये जो था ये स्मॉल साइज में ही था। और यहाँ पे ये डमी में आप देख सकते हो, डमी में वाइट कलर का ड्रेस जो है, शॉर्ट ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे क्रॉप टॉप वगैरह, आगे जाके फिर मैंने कुर्तीज देखी, मतलब ये जो यहाँ पे ना मैं पूरा घूम रही थी ऊपर नीचे, ताकि मैं अपनी जो वीडियो शूट कर सकूँ ब्लॉग में, अपने जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा दिखा सकूँ। अगर मैं ऐसे जाती पर्सनल अपनी शॉपिंग के लिए तो मैं इतना घूमती नहीं, हर एक चीज़ वीडियो में कैप्चर नहीं करती और हर एक जगह पे जाती भी नहीं, बट मुझे वीडियो करना था इसलिए मैं हर एक जगह पे जाके वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ के जो कपड़ों की, कुर्तीज़ की, जीन्स की, टी शर्ट की क्वालिटीज़ हैं मुझे मतलब ठीक ठाक लगा, और बाहर से भी मे बी मिल जाता है इससे कम प्राइस में। और यहाँ पे आप देख सकते हो 899 में ये कुर्तीज़ थी, और कुर्तीज़ जो थी ये कॉटन की थी और उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, समझ में नहीं आया मुझे, बट हाँ अच्छा था, देखने में ठीक ठाक लग रहा था। आप अगर चाहते हो तो कभी जाना जूड़ियों में और यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह करना। ये 299 में कुर्तीज़ थी, तो 299 की कुर्तीज़ थोड़ी ठीक लगी मुझे, कॉटन में थी और अभी समर कलेक्शन है तो पता ही है गर्मी में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि कॉटन कुर्ती लो और इतने कम प्राइस में, तो ठीक ही है। 399 में और 299 में, उधर साइड 299 था, इधर साइड 399 था, तो 300 और 400 के बीच ये कुर्ती कलेक्शन था। ओनली कुर्ती ही था, कुर्ती के साथ कोई प्लाजो या लेगी पैंट नहीं था, वो आप अलग से लेना पड़ता आपको। तो अब इस टाइप के शॉर्ट ड्रेसेस थे, यहाँ पे टॉप थे और ये जूड़ियों का शूज़ वाइट कलर में मुझे बहुत पसंद आया, बट प्राइस बहुत ज़्यादा था। उसके बाद सारा घूमने के बाद अब हम बाहर जा रहे थे, तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी शाम के टाइम पे, और शंकर जी तो आगे आगे जा रहे थे, उनको बस जल्दी से निकलना था क्योंकि रात होने वाली थी। तो ये वाला ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, टाटा बाय।